फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी जो कि पहले एक छोटी सी वेबसाइट थी, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे तीन चीज़ों के बारे में, व्हेन वेयर एंड हाउ, फ्रॉम फेसबुक टू मेटा और व्हाट इज मेटावर्स। फेसबुक की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। इसे मार्क जुकरबर्ग ने अपने रूममेट्स एडवार्डो सेवरिन, एंड्रयू मैकेलम, डस्किन मॉस्कोविट्स और चार्ल्स ह्यूग्स के साथ शुरू किया था। पहले ये वेबसाइट सिर्फ हार्वर्ड, जहाँ पर ये सभी लोग पढ़ते थे, वहीं तक सीमित थी, पर धीरे धीरे करते करते इस वेबसाइट ने पूरी दुनिया पर अपना राज कर लिया। 2020 तक फेसबुक यह दावा कर चुका है कि उसके पास 2.8 बिलियन यानी तकरीबन 280 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं, जिनमें से शायद आप भी एक हैं। आज फेसबुक मेटा के नाम से जाना जाता है और मेटा की कई सारी सब्सिडरीज हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर। आज की तारीख में एक महीने के अंदर इन सभी ऐप्स पर करीब 360 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं, यानी हर दिन के करीब 12 करोड़ एक्टिव यूजर्स। इतना ही नहीं, हर रोज़ करीब 5 लाख नई यूजर्स भी आते हैं, नई प्रोफाइल्स भी बनती हैं और हर सेकंड तकरीबन 6 नई प्रोफाइल्स बनती हैं। और जहां तक मेरा अंदाज़ा है कि इस वीडियो को यहां तक देखने तक फेसबुक पर 360 से ज़्यादा नई प्रोफाइल्स बन चुकी होंगी। अब आप इसी बात से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेसबुक आज की डेट में कितना ज़्यादा पॉपुलर है। मई 2006 में फेसबुक ने अपनी पहली इंटर्न जूली ज़ो को हायर किया। उसके ठीक एक महीने बाद उन्होंने उसको फुल टाइम बेसिस पर हायर कर लिया। सितंबर 2006 में फेसबुक उन सभी लोगों के लिए खुल गया था जिनकी उम्र 13 साल या उससे ज़्यादा थी और जिनके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस था। पर बात यहीं पर नहीं रुकती, बात तो तब बदलती है जब माइक्रोसॉफ्ट ने फेसबुक के 1.6% शेयर्स, जिनकी कीमत लगभग 240 मिलियन डॉलर्स थी, उनको खरीद लिया और फिर फेसबुक की इम्प्लाइड वैल्यू पहुंची 15 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, तो अगर हम 2010 से लेकर 2020 तक का आपको फेसबुक के रेवेन्यू का ग्राफ दिखाएं तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि 2010 में 1.97 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी और 2020 में आकर वो लगभग 86 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। आप देख सकते हैं कि फेसबुक कितनी तेज़ी से आगे निकलता जा रहा है। फेसबुक ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और 2021 के 28 अक्टूबर को उसने यानी मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी फेसबुक का नाम मेटा कर दिया और अब उनका मकसद है एक मेटावर्स को आगे बढ़ाना, मेटावर्स के फील्ड में डेवलपमेंट करना। तो जानते हैं कि मेटावर्स होता क्या है। तो अब बात आती है मेटावर्स की, आखिर ये मेटावर्स है क्या। मेटावर्स शब्द की शुरुआत 1990 के दशक से हुई थी, तो तब ये शब्द उतना नया नया था। आपने इस तरीके का एक और शब्द शायद सुना हो, जैसे कि मल्टीवर्स। आपने जैसे कोई मूवी देखी हो, मार्वल की मूवी देखी हो, जिसमें मल्टीवर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, तो आप उसी से समझ सकते हैं कि मेटावर्स आखिर है क्या। मल्टीवर्स का मतलब होता है एक अल्टरनेट रियलिटी, यानी कि कई सारे अलग अलग यूनिवर्स में हमारी तरह अलग अलग लोग रहते हैं और उन्हीं सब का आकर अगर हम उनको एक साथ ले आएँ तो वो एक मल्टीवर्स होता है। तो इसी तरीके से होता है मेटावर्स, बस फर्क सिर्फ इतना है मल्टीवर्स एक अभी तक साइंस फिक्शन है और मेटावर्स अब रियलिटी बनता जा रहा है। और मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है, हम उसे छू नहीं सकते बट हम उसे फील कर सकते हैं। हम वहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा अपने आप को बना सकते हैं, अपना रंग, अपना रूप, अपना चाल, अपनी ढाल, यहाँ तक कि आप अपना जेंडर भी बदल सकते हैं। आप जिसको चाहे वहाँ पर रख सकते हैं, जिसको चाहे वहाँ से हटा सकते हैं, सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। आप एक चुटकी में यहाँ से वहाँ जा सकते हैं और वापस वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। सपना जो भी आप अभी हकीकत में देखते हैं वो आपके लिए हकीकत हो जाएगी और आज की हकीकत आपके लिए सपने जैसी हो जाएगी। आप ये सोचेंगे कि हम ऐसा सोचा करते थे, काश ऐसा हो जाता, जैसे कि टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, इस तरीके की चीज़ें मेटावर्स में मुमकिन होंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों मार्क जुकरबर्ग
मेटावर्स के पीछे पड़ा है, उसके इस चीज के पीछे उसका क्या मकसद है, क्या ये मेटावर्स आगे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, आइए जानते हैं और इसके बारे में। देखिए, कोई भी चीज़ कामयाब तब होती है जब उसकी मांग यानी कि डिमांड होती है। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, 1990 के दशक से पहले जब इंटरनेट का दौर नहीं था तो इंटरनेट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि इंटरनेट इतना ज़्यादा हिट होगा, पर इंटरनेट हिट हुआ क्योंकि उसकी डिमांड थी, उसकी मांग थी, हर कोई अपने काम को लेकर परेशान था। पहले लोग कागज़ों पर चिट्ठियाँ लिखा करते थे, इंटरनेट के आने के बाद चुटकियों में ईमेल लिखकर दूसरे के पास भेज भी देते थे। तो इंटरनेट ने हमारा काम आसान किया और उसकी डिमांड थी, इसलिए वो बूम कर गया। उसी तरह मेटावर्स का कॉन्सेप्ट अभी नया है, अभी लोग हो सकता है इस पर ध्यान ना दें, बट इसकी भी डिमांड है। आज के समय में मेटावर्स जैसी चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप देखते होंगे आपके चारों तरफ, जहाँ पर पहले बच्चे गली मोहल्ले में जाकर खेला करते थे, आउटडोर गेम्स खेलते थे, पर आज के समय में ना वो आउटडोर गेम्स खेलते हैं ना वो इनडोर गेम्स खेलते हैं, बल्कि वो वीडियो गेम्स खेलते हैं। वीडियो गेम्स भी सिमुलेशन वीडियो गेम्स, जैसे कि आपने देखा होगा पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया और इन तरीके के फोर्टनाइट, इन तरीके के गेम्स मेटावर्स के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड हैं। यह है रियल लाइफ सिमुलेशन, आप इनको बोल सकते हैं कि आप एक अलग कैरेक्टर बनकर एक अलग दुनिया में जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी को शुरू करते हैं, वो सब कुछ आपके हिसाब से होगा। यही तो है मेटावर्स। और क्या है, आपने अगर कभी भी पबजी खेला है तो यानी कि आप उस मेटावर्स का हिस्सा हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि मार्क जुकरबर्ग इसके पीछे क्यों पड़ा है, क्या इसके पीछे उसका कोई नया रीज़न है, अपना कोई रीज़न है, या फिर वो अपना कोई पर्सनल मकसद पूरा करना चाहता है। देखिए, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बढ़ रहा है, धीरे धीरे हो ना हो ऐसा भी एक समय आ सकता है जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी हमारी दुनिया पर कब्जा कर ले। तो ऐसा भी एक समय आ सकता है जब मशीनें हम पर काबू करने लगें। अभी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हमारे हाथों में हैं, हमारा उन पर कंट्रोल है, पर अगर मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आगे ऐसे ही बढ़ता रहा तो हो ना हो कि मशीनों का कंट्रोल हम पर हो जाए, वो हमारी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करें और हमारे और मशीनों के बीच में एक युद्ध छिड़ जाए। देखिए, मेटावर्स के कई सारे फायदे मैंने आपको बताए, अब नुकसान भी बहुत सारे हैं, और नुकसान ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे मोटे हैं, नुकसान बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। आप अलग दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, अलग दुनिया में चले जाएंगे। एक घर है जिसके अंदर 8 कमरे हैं, उसके अंदर 8 लोग रहते हैं, पर 8 लोग अपनी 8 अलग अलग दुनिया में हैं, जिसमें ना कोई एक दूसरे की दुनिया में जा सकता है ना बात कर सकता है। सब अपने अपने VR हेडसेट पहने हुए हैं, अपने आप से ही बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करना तो छोड़िए, वो एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। तो सोचिए आगे आने वाली स्थिति कैसी होने वाली है। इंसान इंसान को देखना नहीं पसंद करेगा और यही होगा मानवता का अंत। तो मेटावर्स एक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी तक एक कॉन्सेप्ट है, बट मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो रियलिटी में तब्दील करने में सफल भी होंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, इसको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप हमको बताइए कि आप बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं, या फिर किसी भी और टॉपिक के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं, हम उसके बारे में आपको नई नई जानकारियाँ ला कर देंगे, हम आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ ला कर देंगे जो आप तक आज तक किसी ने नहीं पहुँचाई होगी, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में।